हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम बैक टू माय चैनल गपशप विद ईशी। आज मैं यहाँ पे आप लोगों को DIY जन्माष्टमी का झांकी जो मैंने बनाया था उसका मैं दिखाने वाली हूँ, किस तरीके से आप प्रिजन सेल बना सकते हैं और ये दो तरीके का मैंने विलेज घर बनाने का कोशिश किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर, मेरे पास एक वेस्ट केलॉग्स का कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा था जिसे मैं कट करके प्रिजन में बदलने वाली हूँ। सबसे पहले मैं मेजरमेंट लेकर के स्केल और पेंसिल से उसमें मार्किंग कर ले रही हूँ। और इस तरीके से बीच में हम सलाखें भी बना रही हूँ मैं इसमें। ये सीख के टाइप का मैंने बनाया है, ये कट कर लिया है बीच से मैंने प्रिजन के। और एक दूसरा कार्डबोर्ड लेकर के मैंने इस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर शेप में काटा है। ये भी अमेज़ॉन के जो डब्बे वगैरह आते हैं उससे मैंने कट किया है। तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट स्टेपल कर दिया है इसके नीचे वाले भाग को। और यहाँ पर मैं एक एक करके सलाखें लगा रही हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो गम से भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्टेपल कर दिया है जो बहुत ही इजीली हो जाता है। एक ऊपर स्टेपल और एक नीचे स्टेपल, दैट्स इट। यहाँ पर मैंने इस तरीके से चार रॉड लगाए हैं। और अब मैं फेविकॉल की मदद से पूरे बॉक्स में इस तरीके से स्क्वायर कट किए हुए छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको मैं गम से चिपका दिया है मैंने। और ऊपर में ब्रिक्स का ये लुक देने वाली हूँ इसमें। यहाँ पर मैंने ब्रिक्स के कलर ठीक वैसा कलर करने की कोशिश किया है, ब्राउन कलर किया है मैंने, ताकि बिल्कुल जैसे जेल में नॉर्मली ब्रिक्स लगा रहता है वैसा लुक आए थोड़ा। और ये जो सलाखे है उसको मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से कलरिंग किया है। आपके पास जो भी मौजूद कलर है आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाटर कलर यूज़ किया है। और इसे मैंने कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख दिया है ताकि अच्छे से पेंट हो जाए। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक और अमेज़न का ही एक फालतू सा डिब्बा लिया है जो बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको भी मैंने इस तरीके से उस पर फर्स्ट कोट पेंट लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। ये मैं गांव का लुक क्रिएट करने के लिए ऐसा हट बनाने वाली हूँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में मीन्स ऐसा कलरफुल घर होता है, आसपास में बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली बने हुए होते हैं। मैंने जानबूझ के थोड़ा डार्क शेड का कलर लिया है ताकि जो कार्डबोर्ड में जो भी प्रिंटेड चीज है वो दब जाए, नहीं दिखे इस पेंट के वजह से। चारों तरफ अच्छी तरीके से मैंने कलर लगा लिया है और कुछ देर के लिए इसे सूखने के लिए रख दिया है। और अभी मैं यहाँ पर येलो कलर से दरवाज़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ इस घर का। आप जैसा चाहे उस टाइप का डिज़ाइन का आप दरवाज़ा बना सकते हैं। ये पूरा ही मैंने एक्रेलिक पेंट से करने की कोशिश की है क्योंकि वो थोड़ा मीन्स स्ट्रॉन्ग कलर होता है, बहुत जल्दी मीन्स कुछ भी दिखता नहीं है उससे, जो भी आपका कार्डबोर्ड में जो भी बना हुआ है या फिर कुछ भी डिज़ाइन है तो वो छुप जाता है वो डिज़ाइन। और ये आप पास में देख सकते हैं, इस तरीके से हम ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जाए तो वहाँ के घर के आस पास में ऐसा दीवारों में या फिर खिड़कियों में ऐसा डिज़ाइंस बना रहता है जो कि बहुत ही सुंदर देखने को लगता है। और ग्राम के लोग बेसिकली इसको बहुत ही शुभ भी मानते हैं।
और अभी दूसरी तरफ मैं एक दूसरे कागज के टुकड़े में रेड कलर का पेंट कर रही हूँ, पिंक कलर का, और जो कि एक हट का लुक देने वाला है। आप यहाँ पे जो भी आपके मनपसंद कलर्स है आप उसको लेकर के कलर कर सकते हैं। बनाने के बाद इस तरीके से अलग से थोड़ा देर टाइम रख दे ताकि वो अच्छे तरीके से सूख जाए। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक अमूल लस्सी का एक बॉटल लिया है इस तरीके से, जो मेरे पास फालतू पड़ा हुआ था। इससे भी मैं एक दूसरे तरीके का हट बनाने का कोशिश किया है मैंने। इसके बेस को मैं इस तरीके से हरे कलर से पेंट कर रही हूँ और इसमें भी वैसे ही सिमिलरली मैं दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह सब बनाने वाली हूँ। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर सा लुक देता है, उसे आप बाद में भी कहीं पर भी प्लेस करके एक बहुत ही सुंदर सा और ब्यूटीफुल डेकोर की तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा बेस पेंट लग चुका है और अभी मैं यहाँ पर सिमिलरली जो पहले मैंने बनाया था वैसा ही दरवाजे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने वाइट कलर लिया है आपको जैसा भी शेप अच्छा लगे आप वैसा शेप के दरवाजे खिड़की ये सब बना सकते हैं। ऊपर में मैं कुछ ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी कर दे रही हूँ थोड़ा डेकोरेशन के लिए, जो कि ये बिल्कुल ग्रामीण विलेज लुक लगे, ग्रामीण के घर लगे, ऐसा मैं लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप लोगों को मुझे ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे में बता सकते हैं, और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में छोटा सा बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।